दोस्तों आज अगर हम एक कार लेने जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि ये गाड़ी कितना माइलेज देती है, कितना एवरेज देती है, 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल जाएगी, और उसी हिसाब से जो है हम गाड़ी को जज करते हैं। अगर वो ज्यादा एवरेज देती है तो हम उस गाड़ी को अच्छा मान लेते हैं, और वही गाड़ी अगर कम एवरेज देती है तो हम उस गाड़ी को जो है बेकार मान लेते हैं। कोई भी ये नहीं पूछता कि उसके अंदर ABS है कि नहीं, उसके अंदर EBD है कि नहीं, उसके अंदर एयरबैग है कि नहीं, उसके अंदर ब्रेक असिस्ट है कि नहीं, कोई भी ये सब चीजें नहीं पूछता। और बहुत सारे लोगों को तो इन टर्म्स के बारे में, इन फीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते। वो सिर्फ एवरेज पे जो है अटक गए हैं, और उसी वजह से इंडिया में इतने सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं और उनमें बहुत सारे लोग जो है मरते हैं। रोजाना कई हजारों लोग जो है मर जाते हैं इंडिया में इन एक्सीडेंट्स की वजह से, और लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इन चीजों के ऊपर, सेफ्टी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों हमें इन फीचर्स के बारे में जानना भी चाहिए, और मैंने इनके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं इसीलिए कि जिससे इंडिया में लोग जो है इन फीचर्स के बारे में जानें, उनको ध्यान से समझें, और जब वो एक कार खरीदें तो इन फीचर्स के बारे में पूछें कि ये उनकी कार में है कि नहीं। और अगर उनकी कार में ये फीचर्स नहीं है तो मेरी सलाह यही रहेगी, चाहे वो गाड़ी आपको थोड़ा ज्यादा एवरेज देती हो पर अगर उसके अंदर ये फीचर्स नहीं है तो वो गाड़ी जो है बेकार है, क्योंकि जो गाड़ी आपकी जान नहीं बचा सकती तो वो गाड़ी का क्या फायदा। तो एक ऐसी गाड़ी खरीदिए जिसके अंदर एक एवरेज भी ठीक ठाक हो, जिसके अंदर ये फीचर्स भी हो, जिससे आपके लिए आपकी जान से ज्यादा जो है मुझे लगता कि कोई भी चीज होगी तो आप भी सेफ रहें और आपकी फैमिली के लिए जो है कोई दिक्कत ना हो, आपकी फैमिली भी जो है उस कार में अगर आपके साथ सफर करती है तो वो भी सेफ रहे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेक असिस्ट के बारे में कि ब्रेक असिस्ट कैसे काम करता है, बहुत लोग इसको BA बोल देते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ दिवेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों BA का मतलब है ब्रेक असिस्ट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। तो ब्रेक असिस्ट कैसे काम करता है, बेसिकली जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कार में क्या होता है कि हम जैसे नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं 70-80 की स्पीड पे, तो सामने से अचानक से कोई भी चीज आ जाती है, कोई कार आ गई या फिर कोई साइकिल आ गई या कुछ भी, अचानक से कुछ भी चीज आ जाती है और हम जो है होपलेस हो जाते हैं, एकदम से पैनिक हो जाते हैं कि सामने क्या आ गया, और हमको एकदम से ब्रेक लगाना होता है गाड़ी को रोकने के लिए, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करने के लिए। और हम गाड़ी को जो है रोकने के चक्कर में ब्रेक को ये लगाना भूल जाते हैं कि हमको कितने प्रेशर से जो है ब्रेक दबानी है। और ये सब चीजें जो होती हैं ये एक थोड़े नए जो ड्राइवर होते हैं, जिन्होंने अभी नई नई कार चलाना सीखी है, उनके साथ बहुत होता है कि उनको अभी अंदाजा नहीं होता कि उस गाड़ी को इतनी स्पीड में रोकने के लिए कितना ब्रेक लगाना है। तो वो जो हम क्या करते हैं कि उस ब्रेक को आधा लगाते हैं, पूरा ब्रेक नहीं लगा पाते, उसमें से जो गाड़ी जो है वो नहीं रुकती और गाड़ी जो है ठुक जाती है। तो ब्रेक असिस्ट कैसे काम करता है, वो क्या करता है, वो मेजर करता है आपकी स्पीड को कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, उसके बाद वो देखता है कि आपने कितनी तेजी से ब्रेक लगाई है, पर वो आधी ब्रेक लगाई है उसको भी वो देखता है, और सब चीजों को मेजर करने के बाद ये कंक्लूजन निकालता है कि हाँ आपने इमरजेंसी में जो है गाड़ी को रोकना चाहा है पर आपने उस गाड़ी को रोकने के लिए जितनी ब्रेक लगनी चाहिए वो ब्रेक आपने नहीं लगाई, आपने आधी ब्रेक लगाई है। तो ब्रेक असिस्ट उसके आगे का काम करता है, आपके असिस्टेंट का काम करता है कि जो काम आपको करना चाहिए वो उसको करना पड़ता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि उस पूरी ब्रेक को और ज्यादा ताकत से जो है प्रेस कर देता है, उससे जो है गाड़ी वो रुक जाती है। तो बेसिकली होता कैसे है, जब हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो जो गाड़ी की स्पीड है वो उसको मेजर करता है, उसके बाद आपने ब्रेक कितनी तेजी से लगाई है एकदम से उसको देखता है, उसके बाद जो प्रेशर जो रह गया है वो प्रेशर कैसे आता है, तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि उसमें सेव होता है, ABS के अंदर सेव होता है। तो जो फ्लूइड होता है हाई प्रेशर फ्लूइड होता है, तो वो जो है ब्रेक को और तेजी से प्रेस कर देता है, तो उससे जो है ब्रेक लग जाती है। अब बेसिकली होता है क्या कि जहां आपका जो ब्रेक पैडल होता है, उस ब्रेक पैडल और क्या कहते हैं ब्रेक के बीच में एक सेंसर लगा होता है, वो इन चीजों को मेजर करता रहता है कि आपने कितनी तेजी से जो है ब्रेक लगाई है। और टायरों में ABS के सेंसर होते हैं जो कि मेजर करते रहते हैं कि आपके टायर जो है कितनी तेजी से रोटेट कर रहे हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ABS के अंदर ही काम करती हैं, ABS के साथ काम करती हैं, और ये सब ABS का एक तरह से पार्ट ही है कि ABS का ही पार्ट है EBD और उसी का पार्ट है ब्रेक असिस्ट। तो ब्रेक असिस्ट का बस इतना सा काम है कि आप कितनी तेजी से ब्रेक को दबा रहे हैं उसको वो देखता है, और आप गाड़ी को अचानक से रोकना चाह रहे हैं इमरजेंसी में पर आपने उतनी तेजी से ब्रेक नहीं दबाई, तो आगे का काम जो है ब्रेक असिस्ट कर देता है, आपकी गाड़ी को रोक देता है जल्दी से। तो दोस्तों अगर आपको EBD और ABS के बारे में नहीं पता है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ABS के अंदर EBD कैसे काम करता है और ब्रेक असिस्ट कैसे काम करता है, वो तो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा। और जल्दी मैं कुछ वीडियोस और बनाने वाला हूं एयरबैग्स के ऊपर और भी कई चीजों के ऊपर, ये बेसिकली कैसे काम करते हैं। और बस मेरी यही आपके एक सलाह है और आपके लिए बस मैं तो रिक्वेस्ट ही बोलूंगा कि आप अगर
कोई कार खरीदना चाहते हैं तो चाहे आपको 50,000 भी ज्यादा देने पड़े, पर आप इन फीचर्स को अपनी गाड़ी में जरूर लें। एक ऐसी गाड़ी लें जिसके अंदर सारे फीचर्स आते हों, आप जो है माइलेज के पीछे ना भागें। माइलेज अगर एवरेज भी होगा तो भी काम चल जाएगा, पर अगर ये फीचर्स आपकी गाड़ी में नहीं होंगे तो आपकी जान के साथ, आप अपनी लाइफ के साथ जो है एक तरह से खिलवाड़ सा कर रहे हैं, और वो एक तरह से आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही अच्छी लगी है तो जैसा कि मैं बोलता हूँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे कि आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर जानना चाहते हैं। मैं कार, बाइक और मोबाइल तीनों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो आप मुझसे नीचे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि आप किस चीज के बारे में मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो दोस्तों थैंक यू, सपोर्ट्स इंडिया।